साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। बिजनौर थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के गंज इलाके में घर से लापता एक बच्चे का शव संदिग्ध परिस्थितियों में गंगा की ढांग पर पड़ा मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। वहीं बच्चे की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घर से लापता बच्चे का शव संदिग्ध परिस्थितियों में गंगा की डांग पर पड़ा मिला है। मृतक के परिजन बेहद गरीब बताए जा रहे हैं। उधर पड़ोसियों का कहना है कि पास ही मंगनी का कार्यक्रम चल रहा था, इस दौरान खेलते खेलते बच्चा अचानक लापता हो गया। काफ़ी तलाशने पर भी उसको कुछ पता नहीं चल सका है। आज सुबह लापता बच्चे का शव गंगा के डांग पर नग्न अवस्था में पड़ा मिला। ढूंढती फिर रही, हमारे घर भी मेरे बच्चे बराबरी के है, मेरे बच्चे से पूछताछ करी लेकिन हमारे घर पे कोई नहीं मिला। भाई साहब मिला गंगा के डांग पे, आप पूरी रात हो गई उन्हें ढूंढते ढूंढते। हमारे यहाँ पे शादी का फंक्शन था, वहाँ पे कई बार आई है सर। हमारे यहाँ पे मंगनी का फंक्शन था, वहाँ पे डीजे चल रहा था, वहाँ पे कई बार आई इसकी मम्मी हमारे बिरादरों में देखने। हम गैर बिरादर है, ये कुरैशी है। और खेलते इधर है सब लोग, और बच्चा जो मिला है वो गंगा के ढांग पे मिला है, ठीक नीचे का नीचे है। और कपड़े नहीं है उसके तन पे बिल्कुल भी, गरीब मानुष्य बाप नहीं है इसका, बाप का इंतकाल हो गया। जवाने इनकी चार पूरी चार लड़की थी, यानी देखो क्या करे इनका, ये देखो सर गरीब आदमी बिल्कुल ही है। बता किसने करा था बुरा, 12-13 साल का लौंडा जवान चला गया, एक दिन चटनी से खावे, एक दिन भिक्की खावे, एक दिन सबकी बुनियाद तो भाई साहब ये है, पोस्टमार्टम में पता चल जाएगा सबकी बुनियाद पे। और बताया था अभी, लेकिन अभी और कंफर्म नहीं हो रहा भाई साहब। देखो बिना देखो कभी बोल रहा। तुम्हारा नाम क्या है? और मेरा नाम वसीम अलवी है। वसीम अलवी दो जोड़ी चप्पल भी मिले हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए